सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। बने रहिए और देखते रहिए खबर, आपकी कवरेज हमारी। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं हमारे चैनल के कैमरे के माध्यम से, दूर तक पंडाल और सजे हुए स्टाल की तरह सुंदर पंडाल, ये जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय रामपुर मथुरा में स्थित CSC परिसर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर एक भव्य और दिव्य सरकार की मंशा के अनुरूप विभागीय स्वास्थ्य विभाग के एक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में श्योता के लोकप्रिय और न्यायप्रिय विकास पुरुष, निर्दोषों को न्याय दिलाने वाले ज्ञान तिवारी विधायक मुख्य अतिथि के रूप में रहे। भव्य और स्वागत श्योता के विधायक का विभागीय अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किया, जिम्मेदारों ने। वहीं पर सुंदर सुंदर सजाया गया और स्टॉल के रूप में काउंटर सजाए गए। उन काउंटरों पर विभागीय जिम्मेदार विराजमान रहे और वहीं पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में श्योता के विधायक ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, इस वजह से मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के मुखिया का उद्देश्य है कि हर ब्लॉक स्तर पर CSC में लगे। वहीं पर आयुष्मान कार्ड और खेलकूद किट और समस्त काउंटर उपस्थित रहे, लोग उपस्थित रहे, काउंटर लगाए गए, लोगों को जानकारी दी गई जिससे कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बन सके और लोगों को मिल सके। वहीं पर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचे सरकार की योजना का, ऐसी बातें सरकार की योजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रकाश डालते हुए श्योता के विधायक ने कहा। लेकिन वहीं पर एक बात और, वहीं पर परिसर में देखा जहाँ पर श्योता के विधायक ने, जहां पर सरकार ने पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए हर CSC में एक बेड रूम तैयार कर रही है भर्ती, और जिस पर करीब 30 लाख रुपए से ये बेड रूम बनाया जा रहा था रामपुर मथुरा CSC में। और वहां पर जब श्योता के विधायक की नज़रें पड़ी जो उसमें सामग्री लगाई जा रही थी, उसको देख करके श्योता के विधायक का गुस्सा सातवें आसमान को छू गया। और वहीं पर अव्वल की जगह पर पीले ईंटे का प्रयोग किया जा रहा था, वहीं पर तत्काल पहुंचकर उसकी गुणवत्ता को परखा और जिम्मेदारों को जो थे उनको फ़ोन से कड़ी फटकार लगाते हुए उनसे जानकारी ली और कार्रवाई करने के आदेश दिए, जैसा कि आप तस्वीर में आगे वीडियो में श्योता के विधायक के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, बातचीत के अंश आप हमारे वीडियो से आप देखेंगे, क्योंकि काफ़ी ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। श्योता के विधायक का जो CSC रामपुर मथुरा में बनाया जा रहा बेडरूम 30 लाख रुपए से, और वहीं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आइए आगे वीडियो में आप देखें पूरी खबर। 20 फीट का अस्पताल बन रहा है, 20 बेड का, 20 बेड का, ये पूरा ब्लॉक बन रहा है 20 बेड का, उसी का। कई बार अधीक्षक ने मना किया कि पीला ईंटा नहीं लगेगा, अब चूंकि वो इसके तो है नहीं, लेकिन इन्होंने मना किया तो हमें भी शिकायत किया, तो हमने कहा मैं आकर के देखता हूँ। विधायक जी, इसका ठेकेदार कौन होगा? अब ठेकेदार तो मुझे नहीं मालूम कौन है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, निर्माण निगम एजेंसी शायद कर रही। हेलो, ये बताइए, ज्ञान तिवारी बोल रहा हूँ। नमस्कार, ये आपके रामपुर मथुरा जो हमारी CSC है वहाँ पे आपका कोई ये निर्माण निगम से अस्पताल बन रहा है 20 बेड का, तो ये पीला लगाने के इसमें है क्या आपके एजेंडे में? पीला है, पीला दिया गया है इसका, जो आपकी फाइल होती है उसमें पीला लगाने का है क्या? ये पूरा मैं साइड पे खड़ा हूँ, पूरा पीला ईंटा इसमें लगा हुआ है, इसको पूरा उखड़वाइए यहाँ से और इसको स्वयं चेक करिए आकर के, ये पूरा पीला लगा हुआ है, न्यू भरे हुए हैं, न्यू में पीला के अलावा कोई एक भी ईंटा नहीं है। और ये कम से कम यहाँ आज मेला था, स्वास्थ्य मेला, अधीक्षक ने कई बार कहा भी यहाँ के, लेकिन उसके बाद ये इसमें पीला लगा हुआ है, ये आदमी मरेगा कि जिंदा रहेगा? ये कौन जेई है आपका? इसको जेई खिलाफ कार्रवाई कराइए। ये जो अस्पताल में ब्रजेश पाठक जी स्वयं गाड़ी चला चला के चेक कर रहे हैं और उसके बाद इस तरीके का कृत्य है, तो ये कृत्य एकदम बचेंगे नहीं, एकदम योगी सरकार में नीला पीला काला नहीं चलेगा। जब अव्वल पैसा दे रही है सरकार, तो अव्वल लगा करके इसकी आप स्वयं कल जांच करिए, बाकी मैं आज लिखवाता हूँ इसको, और इस तरीके का ये सब नहीं चलने वाला है। देखिए एकदम नीला है, अभी मैं तुमको वीडियो बनवा करके यहाँ भिजवा रहा हूँ, पूरा देखिए, सब निरा पीला लगा हुआ है सब पूरी तरीके से, ये देखिए, अब ये सब पूरा एकदम कच्चा ईंटा लगा, पीला से भी गया गुजरा है, कच्चा ईंटा लगा हुआ है, इसको देखवाइए, उसके जेई खिलाफ कार्रवाई कराइए, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करिए, या जो भी तो सप्लाई लिया होगा ना, ये तो ठेका होता नहीं होगा इसका,
कैसे ठेके पे या डीसीओ पे, टेंडर पे है तो टेंडर पे है तो इसका टेंडर निरस्त करिए, इसके खिलाफ कार्रवाई कराइए, और जो इसको जेई है जेई को इसको करिए, और ये पूरा खुड़वाइए जमीन से, खोद करके फिर से इसको हटवा के फेंकवाइए और वो ईटा लगवाइए इसको। हाँ एकदम काम।